कल को अगर बीजेपी की सरकार पलटती है तो आप जमाने के सामने अपनी मानसिकता को कैसे रखिएगा, आप कैसे पेश कीजिएगा अपने आप को। वो जो 32,000 का उन्होंने टीजर जारी किया था वो एक मक्कारी और एक प्लान के तहत जारी किया था। सुधांशु जी, एक सुनील सिंह नाम का नेता था उत्तर प्रदेश में, आजकल समाजवादी पार्टी में है, पहले योगी जी की हिंदुजा वाहिनी में था, वो भाषण दे रहा था कि औरतों को मुसलमान कब्र से निकालकर उनके साथ तौबा नौजबिल्ला गंदा काम करो। आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर सारे गोदी मीडिया हाउस द केरला स्टोरी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। इस पर आसिम वकार ने नाविका कुमार, प्रधानमंत्री मोदी जी और द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर की क्लास लगा दी, और नासिर अब्दुल्ला ने तो पुलिस और सरकारी एजेंसी पर सवाल भी खड़े कर दिए। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो भाई, देखो अपने क्या करना है। पहले देखिए गोदी मीडिया की एंकर नाविका कुमार की बेइज्जती। असीम वकार साहब, मैं आपसे सवाल सिर्फ एक सिंपल पूछना चाहती हूँ। किसी फिल्म में अगर ये बताया जाता है कि वो कुछ घटनाओं पर आधारित है, उस पर फिल्म बनना, एक टेररिज्म पर फिल्म बनना, और उस तरह से बताना कि किस तरह लड़कियों को रिक्रूट किया जा सकता है, जो कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसको एंटी मुस्लिम बनाकर उसको कंडेम करना कहां तक सही है? क्योंकि आप लोग तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बीजेपी ने बंद की है, तो ऐसी कौन सी इकोसिस्टम है जो इस क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बंद करवाना चाहती है, जिस तरह केरल स्टोरी में दिखाया गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो बनाए, सब्जेक्ट है उनके लिए। इससे पहले बहुत सी फिल्में बनी हैं, कई तरह की फिल्में बनी, आतंकवादियों पर बनी है, कश्मीर के आतंकवादियों पर बनी है, ISIS पे बनी है, वो टाइगर जिंदा है, अफगानिस्तान पे बनी है, कई तरह की फिल्में बनी है, नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों पर बनी है, टेंगो चार्ली बनी है, और कई फिल्में बनी है। बनाए फिल्म, क्या दिक्कत है? एक फिल्म है, उसको फिल्म की तरह लेना चाहिए। आप लोग इस बात, इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मसला ये है कि फिल्म में हिंदू मुसलमान ले आए तो आंकड़ा कहाँ से लाए, वो डायरेक्टर साहब से पूछा जाना चाहिए, प्रोड्यूसर साहब से पूछा जाना चाहिए। मैं तो आपसे सवाल खाली इतना पूछूंगा कि कल को अगर, देखिए कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है सियासत में। जिन लोगों ने 600-700 साल हुकूमत की, उनके पूर्वज कहाँ चले गए, भीख मांग रहे हैं, कब्रों में दफन हो गए, जिनको लगता था कि अब इनका सूरज डूबेगा नहीं, एकदम से उनका सूरज डूब गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 700 साल हुकूमत करके गए उनका भी नहीं रहा। कल को अगर बीजेपी की सरकार पलटती है तो आप जमाने के सामने अपनी मानसिकता को कैसे रखिएगा, आप कैसे पेश कीजिएगा अपने आप को। आप पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी है सच्चाई को दिखाना। मैं आप जो जवाब दे रहे हैं वो पूरे में इसका क्या रिलेवेंस है? A few inches later, काफी विरोध के बाद आपकी ये फिल्म द केरल स्टोरी आज रिलीज हुई, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन केरल स्टोरी को लेकर जो 32,000 लड़कियों का जो फिगर है, आपने सफाई तो दी है कि आंकड़ा अनुमान के आधार पर लिखा था, पर आपको नहीं लगता कि इससे फिल्म की क्रेडिबिलिटी पर कुछ असर पड़ा है? अब देखिए द केरला फिल्म स्टोरी के प्रोड्यूसर को, जिसने पहले कहा कि 32,000 के आंकड़े का डॉक्यूमेंट है, और फिर कहा कि 32,000 का आंकड़ा फिल्म की मार्केटिंग के लिए था। जब जब हमने इसके बारे में बात की, हमने बहुत क्लियरली बताया है कि हमारे पास ये 32,000 का आंकड़ा कहाँ से आया, इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि जब ये टीजर आया था तो इस टीजर में हमने इस विषय को रखा था। टीजर जो है वो फिल्म की फुटेज नहीं है, वो स्पेशली एक मार्केटिंग के लिए शूट किया गया था। अच्छा, तो उसमें उस सब्जेक्ट का स्केल और उसकी गहराई को समझाने के लिए हमने ये 32,000 के फिगर की बात की थी। हालांकि उसके बाद आप देखेंगे तो ट्रेलर के अंदर हम फिल्म की बात कर रहे हैं, और फिल्म जो है वो उन तीन लड़कियों की कहानी है। उन तीन लड़कियों की इस कहानी के जरिए
आई मीन हजारों लड़कियों की जो कहानी है उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपुल शाह जी, सवाल एक और भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी केरल स्टोरी पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म केरल में चंद नीतियों पर आधारित कहानी है। आपको लगता है कि इससे फिल्म की कहानी को एक वाइडर पर्सपेक्टिव? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने इस विषय को आज पूरे देश के सामने रखा और उन्होंने जिस तरीके से इस बात को समझाया वो शायद हम इतने वक्त में लोगों को नहीं समझा पा रहे थे और इसीलिए हम पे अटैक हो रहे थे, पर उन्होंने बहुत अच्छे क्लियर पर्सपेक्टिव से लोगों को समझाया कि ये फिल्म जो है ये आतंक के खिलाफ की फिल्म है और ये बहुत बड़ा विषय है। और अब देखिए आसिम वकार का जवाब। देखिए सबसे पहली बात तो जो आदमी गलत होता है, मक्कार होता है, उसकी भाषा में मक्कारी होती है। 32,000 का टीजर जारी किया था और मैं गारंटी से कह रहा हूँ उस आदमी के पास 32,000 तो छोड़ दीजिए, 3200 भी एविडेंस नहीं होंगे। वो जो 32,000 का उन्होंने टीजर जारी किया था वो एक मक्कारी और एक प्लान के तहत जारी किया था। दूसरी बात, उन्होंने अपनी बात वापस ले ली, इतनी हल्की बात नहीं थी कि लेके उन्होंने टीजर जारी करके वापस ले ली, ये उनकी फितरत झलका रहा है। दूसरी वो जो सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में दूर दराज के इलाकों से बहुत सी बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को लव ट्रैप में फंसा कर और लाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रेड लाइट एरिए में कोठों पे बेच दिया जाता है, उनको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है, वो प्रोस्टिट्यूट बना दी जाती हैं। तो जो लोग प्यार मोहब्बत में फंसा के लड़कियों को लेके आते हैं ये कौन सा जिहाद कहलाएगा, जिनको कोठों पे लाके बेच दिया जाता है? ये आंकड़ा लाखों में होगा, 32,000 और 3200 नहीं होगा। तो ये पूरे समाज के लिए संवेदना का विषय है। भारत का प्रधानमंत्री अच्छा बोल लीजिए, एक घटिया प्रोड्यूसर की घटिया फिल्म का प्रचार करे? नहीं नहीं सर, ये देश भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री एक झूठे प्रोड्यूसर की फिल्म का प्रचार करे? That's a good one। और अब देखिए नासिर अब्दुल्ला का जवाब, जिन्होंने पुलिस और सरकारी एजेंसीज पर सवाल खड़े कर दिए। मुझे फिल्म के रिलीज से, फिल्म के कंटेंट से, जो भी सब्जेक्ट है उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नो प्रॉब्लम भाई, जो है। और सच्ची बात है कि ऐसा होता है, होता आया है, और सिर्फ भारत में नहीं इंग्लैंड में हुआ है। खासतौर पर मुस्लिम औरतों को वहां से अगवा कराया गया है टू गो एंड फाइट, तो ये सारी बातें मुझे मालूम है और ये कड़वा सच है। तो इस पर फिल्म बननी चाहिए, ज़रूर बननी चाहिए। प्रोड्यूसर आखिर में कह रहे हैं कि हमने इसलिए बनाई है ताकि हम लोग अवेयर रहें, आकर्षित रहें और अपनी बेटियों को बचाएं। और ये काम है हमारी हमारी एजेंसीज का, हमारी वो जो पुलिस एजेंसी। आप फिल्म बना के कराओगे, दिस इज नॉट द वे। और ये जो झूठ इन्होंने बोला है 32,000 का, इससे मुझे आपत्ति है। दर्शक राजकुमार गौतम जयपुर से पूछ रहे हैं, अगर विपक्षी पार्टियों को लव जिहाद को धर्म से जोड़ने की गलत को गलत कह रही हैं, तो ज्यादातर लव जिहाद के मामले एक धर्म से ही क्यों आते हैं? जो आपके दर्शक जिन्होंने पूछा है उनको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब मुसलमान लड़का होता है और हिंदू लड़की होती है तो सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं लव जिहाद, लेकिन जब लड़की मुसलमान होती है और लड़का हिंदू होता है तो सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं घर वापसी। यानी आप करें तो घर वापसी और अगर हमारे लोगों ने करा तो लव जिहाद। ये फर्क है, ये फर्क है। सर आपके न जाने कितने लीडर्स इस तरह की बातें करते फिर रहे हैं। सुधांशु जी, एक सुनील सिंह नाम का नेता था उत्तर प्रदेश में, आजकल समाजवादी पार्टी में है, पहले योगी जी की हिंदू जो वाहिनी में था, वो भाषण दे रहा था कि औरतों को मुसलमान कबर से निकालकर उनके साथ तौबा नौज बिल्ला गंदा काम करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।